दोस्तों, इन दिनों एक बच्चा सोशल मीडिया पर सबको बचपन का प्यार याद दिलाने में लगा हुआ है, जिसका नाम सहदेव है। अब उसके गाए गाने पर हर कोई अपने अपने वीडियोस बनाकर व्यूज़ बटोर रहे हैं। इस रेस में सबसे आगे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं। आपको बता दें कि सहदेव के स्कूल टीचर ने साल 2019 में उनकी कक्षा में बचपन का प्यार गाना गाते हुए उनका एक वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। यह वीडियो हाल ही में वायरल हुआ है और यहां तक कि सिंगर बादशाह ने भी इसका रीमिक्स वर्जन शेयर किया है। साथ ही साथ बादशाह ने उस बच्चे से फ़ोन पे बात करके उसे मुंबई आने के लिए भी कहा है। बुधवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लड़के को माला पहनाकर सम्मानित किया और वीडियो पर उसे गाने के लिए कहा। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को इन दिनों नींद नहीं आ रही है। दरअसल बचपन का प्यार गाने के लिए वायरल हो रहे छोटे लड़के सहदेव ने एक्ट्रेस की नींद चुरा ली है। बुधवार को अनुष्का ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लड़के के बारे में एक मीम साझा किया। इसमें एक शख्स रात में जागता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि उनके सिर से सहदेव का गाना नहीं निकल पा रहा है। अनुष्का ने अपनी पोस्ट के साथ हंसी के कुछ इमोजीज शेयर किए हैं। पर क्या आप जानते हैं कि बचपन के प्यार का ओरिजिनल सिंगर कौन है? दरअसल ये गाना गुजरात के एक लोक गायक कमलेश बरोत ने 2018 में गाया था। इस गाने के सारे कॉपीराइट्स अहमदाबाद की मेस्वा फिल्म नामक कंपनी के पास है। सोचिए कि अगर उस कंपनी ने इस गाने के यूज़ के लिए कॉपीराइट क्लेम किया तो सबका क्या होगा। इसके अलावा मुंबई पुलिस भी इस दौड़ में शामिल हो चुकी है। उन्होंने कोई वीडियो तो शेयर नहीं किया है, पर इससे जुड़ी एक पोस्ट ट्विटर पर शेयर किया है जो लोगों को जागरूक कर रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।